अब जीवन का एक ऐसा उद्देश्य मिल गया है जिसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। चिकित्सक किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकता। हमारी जो चिकित्सा है आयुर्वेद, ये औषधि पर निर्धारित चिकित्सा नहीं है। हम लोग औषधि को सबसे अंत में चुनते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा किसी भी फेज में, किसी भी रोग की किसी भी स्टेज में फलदायी है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। हमारा ये ध्येय है कि हम व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जलूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से यदि डरा जाए तो नदी पार नहीं होती। कि आज हमारे बीच में गेस्ट इन स्टूडियो कार्यक्रम में जो शख्सियत मौजूद है, जिस समय उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, उन्होंने एक ऐसे करियर को चुना जो चिकित्सा जगत में उस समय के युवाओं के लिए एक संघर्षशील करियर था। मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की। साथियों, हमारे बीच में आज मौजूद हैं मेरे बैचमेट और आयुष विभाग उत्तराखंड में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत और वर्तमान में राजभवन में अपनी चिकित्सा सेवाएं देने वाले डॉक्टर पंकज बच्चासी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप न्यूज़ नेत्र स्टूडियो में आए अपने व्यस्तम समय के बावजूद भी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, शुरू से शुरू करते हैं जी। 2002 जी। एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का आपकी, देहरादून के मॉडर्न माहौल से SGRR इंटर कॉलेज से आपका जो है इंटर हुआ, और उसके बाद सीधे हरिद्वार के आध्यात्मिक नगरी में आयुर्वेद को चुनने का क्या मतलब, क्या मन में चल रहा था उस समय? हमने आयुर्वेद को नहीं चुना, असल में आयुर्वेद ने हमें चुना जी। जब उस महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो पता चला कि ये कुछ अलग तो है, ये कुछ ऐसा है जो जीवन को परिवर्तित कर देगा। ज़रूरत थी विश्वास की, और मैं इस चीज़ को मानूंगा कि शुरुआती महीनों में विश्वास आने में समय लगा जी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, विश्वास भी आया और उत्साह भी आया, और ये लगा कि शायद अब जीवन का एक ऐसा उद्देश्य मिल गया है जिसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, और ये भी लगा कि कैसे हम अपने प्रयासों से आयुर्वेद के द्वारा मानवता को लाभ पहुंचा सकते हैं, और वही प्रयास अभी निरंतर जारी है जी। तो मतलब कॉलेज लाइफ से ही आपके आयुर्वेद के प्रति निष्ठा बन गई थी। तो जैसे कॉलेज में होता है कि भाई एक नौजवान बच्चा जाता है, तो उस समय नए नया कॉलेज का माहौल होता है, कुछ वहाँ पे कॉलेज लाइफ में कुछ हंसी मजाक या कुछ लव लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, छात्र किसी भी कॉलेज का हो जी, बहुआयामी होता है। उद्देश्य तो पढ़ना ही है जी। लेकिन वो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाता है जी। तो ऐसा सभी के साथ होता है, उसमें से मैं भी था जी। अब सफलता मिले ना मिले ये बात अलग है लेकिन मैं मानता हूँ कि
छात्र जीवन में उद्देश्य सबका एक है जी, लेकिन पड़ाव विभिन्न आते हैं। तो मैंने भी अपनी जो कॉलेज लाइफ थी वो पूरी एंजॉय की और सभी पड़ावों को छुआ और आशीर्वाद ये रहा कि गुरुजनों का जो सानिध्य मिला जी, मुझे लगता है वो जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। जो विश्वास आया जी, और जो एक जो कह लीजिए जुनून पैदा हुआ, वो मैं कहूँगा कि गुरुजनों के को देख के उनके अनुसरण में ही आया जी। और विशेष रूप से जो हमारे गुरुजी डॉक्टर एस के जोशी हैं, जो मर्म चिकित्सा के कह लीजिए विशेषज्ञ, और मुझे लगता है कि ये साइंस उन्हीं के द्वारा डेवलप की गई है, उस सानिध्य को पाके मुझे लगता है कि एक जो विश्वास आया और वो निरंतर हम लोग उनकी छत्रछाया में अभी भी जो है काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी आज जीवन में छोटी मोटी हमारी उपलब्धियां हैं वो शायद गुरुजनों के आशीर्वाद से ही है। रैगिंग का बड़ा दौर हुआ करता था वो जमाना, कुछ रैगिंग के कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से जो आपको याद हों। देखिए रैगिंग जब आप जाते हैं प्रथम वर्ष में, जब आप प्रवेश करते हैं और नया नया उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ था, तो बड़ा भाई और छोटा भाई, तो बड़े भाई तो वहाँ थे ही, हम छोटे भाई थे। तो हालांकि जो सीनियर्स होते हैं वो आपके पहले गुरु भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि रैगिंग के मेरे मीठे अनुभव ज़्यादा हैं, कड़वे कम हैं। और जो सीनियर्स गुरुकुल में मिले वो आज भी एक बड़े भाई की भूमिका में हैं और सभी से बहुत अच्छे हमारे। इस बीच में आप डॉक्टर एस के जोशी सर, जो कि मेरे भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, उनके संपर्क में आए, घनिष्ठता बढ़ी, क्या अनुभव रहा और क्या आपको विशेष लाभ मिला सर के सानिध्य में? देखिए जब कॉलेज लाइफ चल रही थी तो उसी समय मन में एक ऐसा विचार आया कि हम इस टाइम को यूज़ कैसे करें, जो हमारा फ्री टाइम है या जो हमारा कॉलेज के बाद का टाइम है उसमें चिकित्सक तो अपनी चिकित्सा कर ही रहे थे, बट हम लोग छात्र थे, तो क्यों ना हम उस समय को उनके क्लिनिक्स में जाके उनका अगर सानिध्य प्राप्त करें तो उनका जो वर्षों का अनुभव है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचता है। और गुरु का ये हमेशा से एक कह लीजिए कि उनकी उदारता है कि वो अपने क्लिनिक में हमें प्रवेश करने देते हैं, अपने जो उनके रोगी हैं उनसे मिलना, उनसे बातें करना, और समय समय पे हमें बताना, हमें निर्देशित करना, और हमारी गलतियां हैं उनको सुधारना। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा समय था जीवन का जहां कॉलेज भी चल रहा था, एक प्रैक्टिस भी चल रही थी, बस एक जो समझने की बात थी कि आप समय का उपयोग कैसे करें। तो मुझे लगता है वो समय का उपयोग अगर छात्र समझ ले तो उसके जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, और क्लिनिकल स्किल्स अगर आपको बेहतर बनाने हैं तो उसमें आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को महत्व देना पड़ेगा। आप अगर रूढ़िवादिता जो हमारी एक चलती है कि हाँ, वो थोड़ा सा आपको छोड़नी पड़ेगी, अपना थोड़ा सा कह लीजिए कि जो रेस्ट टाइम है उसको भी आपको गंवाना पड़ेगा, लेकिन उसका जो महत्व है वो आगे जाके आपको कुछ वर्षों में पता लगता है कि हाँ, जो आपने समय उस समय दिया वो निश्चित रूप से आपको आज भी जो है लाभान्वित कर रहा है। पहली जॉब कहाँ थी? एक दुर्गम क्षेत्र है उत्तरकाशी जिले में जोगत, वहाँ पे पहली पोस्टिंग मेरी थी, पहला अनुभव भी था पहाड़ में रहने का, चिकित्सा देने का। कुछ कठिन ज़रूर लगा शुरू में, लेकिन वहाँ पे लोगों की जब ज़रूरत देखी और ये देखा कि चिकित्सक से उनको कितनी आशाएं हैं, और वो जब आप वहाँ रहते हैं तो आप समझ लीजिए उस गांव का एक हिस्सा बन जाते हैं, और एक बहुत बड़ी आबादी आपकी उस क्षेत्र की आप पे निर्भर हो जाती है। तो जब अगर आप इसको नौकरी से ऊपर उठ के देखें तो आपको लगता है कि आप शायद ईश्वर ने आपको चुना है इनकी मदद करने के लिए। तो एक सुदूर पहाड़ी गांव जोगत और वहां से राजभवन तक का सफर, कुछ इस पर प्रकाश डालिए, यहां तक कैसे पहुंचे? मैं तो कहूंगा कि ये शायद बड़ों का आशीर्वाद ही है। जिस विभाग से हम लोग हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हम आयुष उत्तराखंड के लिए काम करते हैं, और विभाग में समय समय पर आपको अपने उच्च अधिकारियों का निर्देशन भी प्राप्त होता है। तो उसी क्रम में एक ऐसा पड़ाव आया जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे राजभवन में चिकित्सा सेवाएं देने का मौका मिला। वो एक ऐसा समय था जब मुझे लगा कि ये प्रूव कर पाया कि आप आयुर्वेद चिकित्सा को कैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे
इसको करेंगे, तो वो लगता है वो एक 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 ऐसा निर्णय था जिसको कि हमारे जो विभाग के सहयोग से वो हो पाया और आज निरंतर हम लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ हम तीन दोषों की बात करते हैं और साथ ही साथ में प्रकृति की बात करते हैं, नाड़ी की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा आप अगर हमारे दर्शकों को सामान्य शब्दों में समझा सकें जो उनके लिए आसान हो। वात पित्त कफ का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मूल कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का। अगर आपको निदान करना है तो आपको वात पित्त कफ की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किस ऋतु में अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको वात पित्त कफ की जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है वात पित्त कफ आपके मित्र भी हैं और जब आप आयुर्वेदिक आहार विहार का पालन नहीं करेंगे तो यही वात पित्त कफ आपके शत्रु भी हो जाएंगे, इसीलिए इनको दोष भी कहा गया। वात पित्त कफ का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले तो हमें जन जन तक पहुँचाना है, उसके लिए प्रकृति निर्धारण बहुत आवश्यक है। अगर हम व्यक्ति को ये बताएं कि आपकी ये प्रकृति है और इस दोष की आपके शरीर में अधिकता है और आप अपने आहार विहार से अपने जीवन के संतुलन से अगर आप इस चीज़ का इस आहार विहार का ध्यान रखेंगे तो ये दोष आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर हम ऋतुओं को भी जोड़ दें, क्योंकि दोष ऋतुओं के आधार पर भी घटते बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि रोगी को हम बीमार होने से बचा सकते हैं। और ये चिकित्सक की जिम्मेदारी है, आयुर्वेदिक चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से प्रत्येक रोगी को ये बताए कि आपकी ये प्रकृति है, आपको ये विकृति हो सकती है, आप इस ऋतु में हैं, आपका आहार विहार आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। अगर प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सक ये ठान ले कि मुझे औषधीय चिकित्सा के अलावा सबसे पहला जो ज्ञान रोगी को देना है वो है उसकी प्रकृति निर्धारण का, उसको ये बताना कि आप देखिए इस ऋतु में मेरे पास आए हैं तो कृपया करके आप इन चीज़ों का सेवन न करें, ये आहार विहार अपनाएं, तो चिकित्सक का काम भी आसान होगा और रोगी का काम भी आसान होगा। क्योंकि हमारी जो चिकित्सा है आयुर्वेद, ये औषधि पर निर्धारित चिकित्सा नहीं है। हम लोग औषधि को सबसे अंत में चुनते हैं। हमारा ये ध्येय है कि हम व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, उसके लिए आपको व्यक्ति को ये बताना आवश्यक है कि आप इन चीज़ों से बीमार पड़ सकते हैं, कृपया करके इन्हें त्याग दें। हमारा पहला धर्म यही है जो हमारा शास्त्र हमें सिखाता है। लेकिन अगर दोष बढ़ गए और रोग हो गया तो आपको निश्चित रूप से उसकी चिकित्सा भी रोगी को बतानी पड़ेगी। यही प्रैक्टिकल डिफरेंस है अन्य पैथियों में और आयुर्वेद में। कोविड के बाद जब लोगों ने इम्यूनिटी का महत्व समझा, स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है इसका महत्व समझा, तो उसके बाद क्या धारणा बदली है? आपने अपने चिकित्सा अनुभव में क्या महसूस किया है आम जनमानस के नज़रिए में? कोविड के समय में आयुर्वेद पहली चिकित्सा थी जिसमें सिद्धांत पहले ही लिखा हुआ था। रिसर्च तो मॉडर्न मेडिसिन में बाद में हुई, बट आयुर्वेद चिकित्सक को मुझे लगता है इस तरह का अनुभव पहले से था कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आएगी तो हम लोग उसको फेस कर पाएंगे। चिकित्सक किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकता। वो जो समय था कोविड का, उसमें हमने ये तो ज़रूर समझा कि अगर आप सिद्धांतिक चिकित्सा को मूल बना के चलेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और ये एक मौका था आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए, क्योंकि जहाँ पे अंग्रेजी दवाइयाँ फेल हो रही थी और ये बहुत इसका जो स्प्रेड रेट था वो बहुत अधिक था, तो मुझे लगता है कि इसमें आयुर्वेद ने जो अपनी एक कह लीजिए कि एक फलदायी चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद ने अपने आप को स्थापित किया, उसमें समाज में इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत बढ़ी और लोगों को ये विश्वास हुआ कि काश हमने आयुर्वेद चुना होता। और धीरे धीरे आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया गया, उन्होंने भी दिन रात काम किया अलग अलग स्तरों पे और इस बात को सिद्ध कर दिया कि आयुर्वेद चिकित्सा किसी भी फेज़ में किसी भी रोग की किसी भी स्टेज में फलदायी है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। तो लगातार काम करने के बाद मुझे लगता है कि आयुर्वेद से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है और आयुर्वेद ने अपने आप को जो आयुर्वेद शाश्वत है
लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद से जो जन सामान्य है उसमें जो आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस है वो निश्चित रूप से कई गुना बढ़ी है। इस समय मर्म चिकित्सा का डेवलपमेंट किस स्टेज पे है, लोग इसको कितना अपना रहे हैं और इसके क्या क्या महत्व हैं? देखिए, मर्म चिकित्सा पे लगभग पिछले 35 वर्षों से काम चल रहा है। गुरुजी डॉक्टर एस के जोशी सर का निरंतर इस पे एक कह लीजिए कि रिसर्च वर्क है, जो उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में इसको निरंतर रूप से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य ये रहा कि हम अपने छात्र जीवन से ही डॉक्टर एस के जोशी सर के सानिध्य में रहे, तो इसको देखने समझने का हमें पर्याप्त समय मिला। किसी भी विधा को अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना आवश्यक है। ऐसा समझिए कि अगर कोई रोगी मेरे पास आता है और मैं उसको बहुत कम समय में अच्छे परिणाम दे दूँ तो निश्चित रूप से उसका विश्वास मेरे ऊपर या उस विधा के ऊपर बढ़ेगा। और मुझे लगता है ये एक व्यक्ति के करने की चीज़ नहीं है, तो गुरुजी ने इसको इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि हम लोग छात्र जीवन से गुरुजी के साथ इसके देश भर में हम लोगों ने कैंप्स किए, तो उस अनुभव से विश्वास तो आया ही आया, साथ में जो अनुभव मिल रहा था रोगी को ठीक करने का वो चिकित्सा में बहुत लाभ दे रहा है। आयुर्वेद में जो औषधि चिकित्सा है जिसको हम समन चिकित्सा कहते हैं और एक है संशोधन चिकित्सा जिसको हम पंचकर्म कहते हैं, तो हम कैसे तय करें या रोगी को देख के या रोग को देख करके कि इसकी संशोधन चिकित्सा होनी है या इसकी समन चिकित्सा होनी है या इसके लिए दोनों आवश्यक हैं? मुझे लगता है चिकित्सक के तौर पर अगर आप देखें तो जो आयुर्वेद का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो शोधन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा की तरफ मुझे लगता है कि चिकित्सकों को अपने रोगियों को ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, जो कि इस समय पे कम देखा जा रहा है, क्योंकि जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं उस समय में रोगी को भी थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा कि अगर आप बहुत जल्दी अपने रोगों को या अपने लक्षणों को ठीक करना चाहते हैं तो आप शमन चिकित्सा की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपका रोग जीर्ण हो चुका है तो निश्चित रूप से आपको चिकित्सक के कहे अनुसार शोधन चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपके दोषों के मूल से वो समाप्त किए जा सकें। चिकित्सक की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो बेसिक डिफरेंस है शोधन और शमन चिकित्सा का, वो भी अब पर्याप्त समय लेके अपने रोगी को समझाए। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि रोगा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने ये तो संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव, कि एक बार के लिए हम लंघन पाचन दीपन या औषधीय चिकित्सा से अगर रोगी को ठीक करते हैं तो वो हो सकता है कि दोबारा रोग हो जाए, लेकिन अगर वो संशोधन से शुद्ध हो गया तो न तेषां पुनरुद्भव, उसकी दोबारा उत्पत्ति नहीं होती। जिसके लिए जो आयुर्वेद की USP मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में लोग इसीलिए आते हैं कि भाई एलोपैथी में कई बार रोगों को दबा दिया जाता है, उसके लक्षणों को दबा दिया जाता है, जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होता है कुछ समय बाद वो रोग फिर उभर के आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो हमारी सरकारें हैं उनको क्या ऐसा करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है कि ये प्रदेश वाकई में जो है एक पूरे देश के लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुष संपूर्ण आयुष के क्षेत्र में जो है एक उदाहरण बन सके, उसके लिए आपका सुझाव क्या होगा हमारी सरकारों को? देखिए, मुझे लगता है ये समय आयुर्वेद का समय है। आयुर्वेद से जुड़े तमाम पहलू जिसमें औषधि निर्माण, औषधि की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे पहलू आयुर्वेद में निश्चित रूप से हमें अपनाने पड़ेंगे। चिकित्सक होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम गुणवत्ता पे बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें और ये प्रयास करें कि हमारा जो साइंस है वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। आज के समय में जब सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, हमें भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम भारतवंशी हैं और आयुर्वेद हमारे देश की पैथी है जिसको पूरा विश्व अपनाने के लिए तैयार है। जरूरत है ईमानदारी से प्रयास करने की हर लेवल पे, चाहे वो सरकारी तंत्र हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। सरकार के प्रयासों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूं तो विभाग द्वारा तमाम पहलुओं पे निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है,
सरकार की तरफ से तमाम प्रकार की सब्सिडीज और प्रयास ये हो रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में, देवभूमि में हम लोग कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकें, कैसे से कैसे वेलनेस पे काम हो। जैसे आपको पता ही है कि इसका पंचकर्म का बहुत विकास केरल में, प्रदेश में हुआ है। उसी तर्ज पे सरकार द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं कि वो तमाम लोग जो काफ़ी समय से केरल में, जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ है इस विषय में वेलनेस को लेके, उन लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि वो हमारे प्रदेश में आके इन्वेस्टमेंट करें और वेलनेस के क्षेत्र में काम शुरू करें। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और अब कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पे हैं, रैपिड फायर राउंड को हम लोग पूरा करते हैं। तो मैं कुछ शब्द कहूंगा और आपको उनका एक सेंटेंस, दो सेंटेंस में जवाब देना है। तो मेरा पहला शब्द है डॉक्टर। समर्पण। रोगी। चिकित्सक पे विश्वास रख के आगे बढ़े। उत्तराखंड। फ्यूचर ऑफ कंट्री। पॉलिटिक्स। सामाजिक जिम्मेदारी। योग। अंतरात्मा की आवाज। डॉक्टर पंकज बच्चस। निरंतर प्रयासरत। न्यूज नेत्रा। चमकता हुआ सितारा। आध्यात्म। सोल। संस्कृति। अपनाने। बॉलीवुड। मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। संगीत। सबके लिए बहुत जरूरी है। तो जब आपने कह ही दिया है कि संगीत सबके लिए बहुत जरूरी है, तो अब अपने इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू को थोड़ा सुरीला बनाते हैं। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे हो देखने को निकला करता है, आईना भी हो दीदार को तरसा करता है, इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ये तो रहा मेरी पसंद का गाना आपने सुनाया, और मैं चाहूंगा एक जो आपके दिल के करीब हो, ऐसा कोई गाना भी हम लोग सुनना चाहेंगे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जलूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी
मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। वो धूप से जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा भी अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जिलूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जिलूं जरा।